दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर से दिव्यांकर हमारे साथ बने। दिव्यांकर, क्या उत्साह की तस्वीरें दिख रही दिल्ली में और गौरीशंकर मंदिर में किस तरीके का दृश्य है? बिल्कुल, देखिए सावन का चौथा सोमवार है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए गौरीशंकर मंदिर की, और जहाँ से लाइन लगाकर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में जल है, बेलपत्र के साथ साथ तमाम जो फूल हैं सामग्री लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं कुछ अंदर भी पहुंच रहे हैं और वहां से पहुंचकर वहां से जलाभिषेक कर रहे हैं, और एक पुष्प, एक बेलपत्र और एक लोटा जल की धार, और भगवान शिव करें सबका उद्धार इस मनोकामना के साथ जो शिव भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और शिव की भक्ति से नूर मिलता है, सबको सुकून मिलता है, जो भी लेता है भोले का नाम उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो जिस तरह से सावन का महीना ये चल रहा है, चौथा सोमवार है, और लगातार यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कर लेते हैं, और वो कहाँ से आए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? गिदालोनी। आज के सावन का चौथा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। सर आप कहाँ से आए हैं? पांडव नगर से, दिल्ली से। क्या मनोकामना है? और मनोकामना यही है, हम तो रेगुलर आते हैं और मनोकामना यही है कि भगवान सबको सुखी रखे और सबका आशीर्वाद बनाए रखे। आप मैडम कहाँ से आई हैं और क्या? मैं आई हूँ मजलूका टिला से, मैं मनोकामना नहीं बताऊंगी। तो मनोकामना नहीं बताएंगे, लेकिन लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का ये महीना है, सावन का महीना चल रहा है, और इस बार बड़ी बात यह है कि पांच सोमवार इस बार पड़ रहे हैं और उन्हीं में से चौथा सोमवार आज है, और जिसके बाद श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अंदर से कि किस तरह से गौरीशंकर का ये मंदिर है और जो जलाभिषेक किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और मान्यता यही है कि शिव की शक्ति से, शिव की भक्ति से सबको जो खुशियाँ हैं वो मिलती हैं, और शिव की महिमा काफ़ी ज़्यादा अपरंपार है, और शिव सबका उद्धार करते हैं, और उनकी कृपा जो है वो उनके श्रद्धालुओं पर, उनके भक्तों पर बनी रहती है। और जिस तरह से भोले की भक्ति में सभी श्रद्धालु यहाँ पर आपको डूबे हुए नज़र आएंगे, सभी उनके शिव के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए, और साफ तौर से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तकरीबन 800 साल पुराना जो है गौरीशंकर का मंदिर है, और पांच जो हैं पीपल के पेड़ उनसे घिरा हुआ यहाँ पर जो शिवलिंग है वो है, और श्रद्धालुओं को आप देखिए नमन करते हुए यहाँ पर हाथों में जल और इसके साथ साथ फूल बेलपत्र लेकर यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुँच रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसके बाद जो है अपनी मनोकामना के साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालु काफी देरों से भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है सावन का शिवालय है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ है, और गौरीशंकर मंदिर में भी सुबह से लाइन लगी है।